हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? स्टे होम, स्टे सेफ, बी हैप्पी। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ महात्मा गांधी लेसन 8 क्लास 7th। बच्चों, आज मैं आपको महात्मा गांधी का बचा हुआ भाग कक्षा 7th का लेसन 8 पढ़ाने जा रहा हूँ। सो लिसन टू मी केयरफुली। अल्टीमेटली इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। अल्टीमेटली मीन्स एट लास्ट, आखिरकार भारत को गॉट मीन्स प्राप्त हुई, फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता। आखिरकार भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। महात्मा गांधी इज नोन फॉर हिज प्रिंसिपल्स। नोन मीन्स जाने जाते, प्रिंसिपल्स मीन्स सिद्धांत, नॉन वायलेंस मीन्स अहिंसा, ऑल ओवर द वर्ल्ड मीन्स पूरे संसार में। महात्मा गांधी अपने अहिंसा के सिद्धांतों के लिए पूरे संसार में जाने जाते हैं। ही लेड अ सेंटली लाइफ। लेड मीन्स जिया, सेंटली मीन्स संत का। उन्होंने संत रूपी जीवन जिया। एंड वाज अगेंस्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटी प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी। सोसाइटी मीन्स समाज, प्रिवेलिंग मीन्स बढ़ रहे, इनइक्वालिटी असमानता, इनजस्टिस मीन्स अन्याय, अगेंस्ट मीन्स विरुद्ध, शॉर्ट मीन्स प्रकार। उन्होंने एक संत का जीवन जिया और समाज में बढ़ रहे सभी प्रकार के असमानता तथा अन्याय के विरुद्ध थे। ही वॉन्टेड टू एस्टेब्लिश राम राज्य। वॉन्टेड मीन्स चाहते थे, एस्टेब्लिश में स्थापित करना राम राज्य। वह राम राज्य स्थापित करना चाहते थे। बाई राम राज्य ही मीन्ट द किंगडम ऑफ गॉड। राम राज्य से उनका मतलब था कि ईश्वर का राज्य। फॉर हिम राम एंड रहीम वर वन। उनके लिए राम और रहीम एक थे। एंड द सेम डेटी, DEITY, डेटी मीन्स गॉड, और भगवान के समान थे। फॉर हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन मीन्स योगदान, टू द कंट्री, देश, देश में उनके महान योगदान के लिए। इंडियंस मीन्स भारतीय लोग, कॉल हिम द फादर ऑफ द नेशन और बापू। देश के लिए महान, उन्होंने देश के लिए महान योगदान किया, इसलिए भारतीय लोग उन्हें राष्ट्रपिता अथवा बापू कहकर पुकारते थे। ही वाज एसेसिनेटेड ऑन 13 जनवरी 1948 बाई नाथूराम गोडसे। एसेसिनेटेड मीन्स राजनीतिक हत्या की गई। उनकी 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा राजनीतिक हत्या की गई थी। सिंस देन, तभी से 13th January इज ऑब्जर्व एज मर्टर्स डे इन इंडिया। मर्टर्स डे मीन्स शहीद दिवस। तभी से 30 जनवरी को भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। सो रीड दिस पैराग्राफ, राइट द मीनिंग्स। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज गांधी जीज फुल नेम। गांधी जी का पूरा नाम क्या था? तो नंबर 1 आंसर, गांधी जीज फुल नेम वाज, इतना क्वेश्चन से मिलेगा, मोहनदास करमचंद गांधी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन एंड वेयर वाज गांधी जी बॉर्न। गांधी जी कब और कहाँ पैदा हुए थे? आंसर नंबर 2, गांधी जी वाज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन काठियावाड़ गुजरात। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द मेन क्वालिटीज ऑफ गांधी जी करेक्टर। गांधी जी के चरित्र की मुख्य गुण लिखिए। आंसर नंबर 3, गांधी जी वाज ऑनेस्ट। गांधी जी ईमानदार थे।
एंड ट्रुथफुल फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। अपने बचपन से ही गांधी जी सच्चे और ईमानदार थे। ही लेड अ सेंटली लाइफ। उन्होंने एक संत का जीवन जिया। क्वेश्चन नंबर 4, वाई वाज गांधी जी रेस्टलेस। गांधी जी बेचैन क्यों थे? गांधी जी वाज रेस्टलेस टू सी हिज कंट्री मैन सफरिंग अंडर द फॉरन रूल। क्वेश्चन नंबर 5, हुज स्टोरी इंस्पायर्ड गांधी जी टू सर्व हिज पेरेंट्स। किसकी कहानी ने गांधी जी को अपने माता पिता की सेवा करने के लिए प्रेरित किया? आंसर नंबर 5, द स्टोरी ऑफ श्रवण कुमार। श्रवण कुमार की कहानी ने गांधी जी को अपने माता पिता की सेवा करने के लिए प्रेरित किया। द स्टोरी ऑफ श्रवण कुमार इंस्पायर्ड गांधी जी टू सर्व हिज पेरेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6, वाई डू वी कॉल गांधी जी एज फादर ऑफ द नेशन। हम गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में क्यों कहकर पुकारते हैं? वी कॉल गांधी जी एज फादर ऑफ द नेशन फॉर हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री। क्वेश्चन नंबर 7, हु एसेसिनेटेड गांधी जी एंड व्हेन। गांधी जी की राजनीतिक हत्या किसने की और कब? नाथूराम गोडसे एसेसिनेटेड गांधी जी ऑन 13 जनवरी 1948। सो राइट दिस क्वेश्चन आंसर इन योर कॉपी। एक्सरसाइज नंबर 2, राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। नंबर ए, महात्मा गांधी वाज बॉर्न ऑन 2 नवंबर 1869। ये फॉल्स है। हिज मदर्स नेम वाज शांतिबाई फॉल्स। ही वाज ऑनेस्ट एंड ट्रुथफुल सिंस हिज चाइल्डहुड ट्रू। 13 जनवरी ये सेलिब्रेटेड एज मार्टरीज डे इन इंडिया ट्रू। बर्ड पावर, राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स। ऑनेस्ट DISHONEST डिसऑनेस्ट। काइंड क्रूएल CRUEL। काइंड मीन्स दयालु क्रूएल CRUEL क्रूएल। पुअर अपोजिट रिच RICH। इक्वल अनइक्वल UN EQUEL। जस्टिस इनजस्टिस ENJUSTIC। डार्क LIGHT लाइट। हैप्पीनेस में एन जोड़ देंगे पहले अनहैप्पीनेस, नेसेसरी में एन जोड़ देंगे अननेसेसरी। लैंग्वेज प्रैक्टिस, मैच द सफिक्स विद द रूट वर्ड्स वर्ड टू मेक अ न्यू वर्ड। सफिक्स वर्ड सफिक्स ट्रुथ फुल चाइल्ड हुड रेस्ट लेस गवर्नमेंट किंगडम। क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग द टेबल फ्रेम क्वेश्चंस राइट द सुटेबल यस और नो आंसर्स बिलो देम। टेबल से क्वेश्चन आंसर बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डज अ बर्ड फ्लाई। आंसर नंबर 1, यस इट डज। क्वेश्चन नंबर 2, डज ए कैट फ्लाई। आंसर नंबर 2, नो इट डजंट। क्वेश्चन नंबर 3, डज ए फ्रॉग फ्लाई। आंसर नो इट डजंट। डू बर्ड्स फ्लाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डू बर्ड्स फ्लाई। आंसर यस दे डू। डू फ्रॉक्स फ्लाई। आंसर नो दे डोंट।
डू कैट्स फ्लाई? आंसर, नो दे डोंट. सो राइट दीज मीनिंग क्वेश्चन आंसर इन योर कॉपी. थैंक यू.